हमारी बार का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं जब सदर बना तो हमारी बार की तरफ से मेपको के अकाउंट में हमने 18 लाख और 16,122 रुपए का डिमांड नोटिस जमा कराया हुआ था, जिसमें हमने बहादुर अली खां ब्लॉक के लिए कुछ ट्रांसफार्मर और सेटअप थे डिमांड। इन्होंने जो डिमांड नोटिस बना के दिया, हमने वो डिमांड नोटिस पे किया हुआ था, और आज 1 साल गुजरने के बाद भी हमें वो ना ही हमारी वो डिमांड पूरी गई गई, ना हमें वो ट्रांसफार्मर वहां लगा के दिया गया, बल्कि हमें हमारे बारह मुतालबे के बावजूद ट्रांसफार्मर को और सिस्टम को वहां पे इंस्टॉल ना किया गया। कुछ अर्सा पहले कैंट एक्सियन कैंट को कि भाई हमें यहाँ पे वो ये हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, उन्होंने यहाँ एसको शायद भेजा, उनके मुलाजमीन यहाँ आए, उन्होंने आकर यहाँ पे हमारा जो 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसको उतार के और 200 केवी का लगा के बाहर ही, और जाने के लिए जब वो किया तो हमें इतला मिली। मैंने अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर जान अहमद साहब को भेजा, मैंने उन्हें कहा कि जाके आप उसको देखें और उनके रोकें कि हमारा वहां ना रिक्वायरमेंट है और ना ही हमें वहां चाहिए, हमारी ये रिक्वायरमेंट जो हमने पेमेंट की हुई है, जो आपने लगा के देना है, वो हमारा बहादुर अली खां ब्लॉक के लिए है, और ये बाहर आप उल्टा ये 100 केवी आप लेके भी नहीं जा सकते, हमारे आगे हमने पेमेंट की हुई है 200 केवी के। हमारी डिमांड उनके बकायदा, उनका हमारे पास लेटर है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, हमारा डिमांड नोटिस, हमारी उनकी जो बैलेंस, हमारी जो अमाउंट अमाउंट के हवाले से जो बैलेंस चीजें हैं पड़ी, वो बकायदा तौर पे मेंशन है उसमें। उसमें इनके एससी साहब ने बकायदा वो लिख के दिया हुआ है कि ये चीजें इनकी बैलेंस है और ये आई पड़ी है, इनको इश्यू कर दी है। मैं बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बार, प्रेसिडेंट ऑफ द बार जो है, वो इस बारे में मैंने एससी साहब से भी जिक्र किया, इस मामले में मैंने एक्सियन साहब से भी, क्योंकि 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। एग्जीक्यूटिव मेंबर में खुशकिस्मती से वापडा से रिटायर्ड पर्सन थे, उन्होंने हमें बताया कि ये एक क्राइम है, ये FIA के अंदर इसके ऊपर जो है उसे FIA को एक्शन लेना चाहिए, जो भी इनके हेड्स हैं उनको बैठ के इस चीज पे अमल दरामद कराएं कि हमारी जो पेमेंट ले चुके हैं और जो हमारा बैलेंस इशू इनके पास सामान रहता है उसको इशू करके प्रॉपर जगह इंस्टॉल करें, अदरवाइज जो हमारे लिए जो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब बहुत सारे दोस्त इस बात पे भी वो करते हैं कि जी आपने इस साल के अंदर ये काम करना था, ये अभी तक पेमेंट होने के बावजूद नहीं किया, तो आप उनके खिलाफ एक्शन लें, कानूनी कार्रवाई करें, FIR कटवाएं, FIA को दरखास्त दें, फौरी तौर पर हमारा ये सामान और ये चीजें जो है वो फौरी तौर पर इंस्टॉल करें प्रॉपर बहादुर अली खां ब्लॉक में, ताकि इसका जो है वो हमें हक मिल सके। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो हम हर उस हाल तक जाएंगे जो हमारे दोस्तों के फायदे के लिए और हमारे लिए जरूरी होगा। मजीद हमारे चूंकि पिछले दिनों ये इनके ऊपर क्रैक डाउन भी हो काफी ज्यादा किया, लोगों के ऊपर, अवाम के ऊपर भी, और उसका फायदा उठाते हुए हमारे वुकला को भी काफी डिस्टर्ब किया गया, जिसकी बात बात भी मैंने एसी साहब से भी और CEO साहब से भी कि जी हमारे वुकला जो है वो कभी भी किसी किस्म के गैर कानूनी काम में मुलव्वस नहीं होते, लेकिन उस हवाले से भी हमें बड़ी शिकायत है कि वापडा वाले जो है वो इस हमारे दोस्तों को, वुकला को, वो हरासा करते हैं और उनसे ब्लैकमेल करके उनसे मुख्तलिफ जो डिमांड्स करते हैं। तो हम उसमें भी अला काम से ही करेंगे कि अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं और उसको देखें, खासतौर पर हमारा चूंकि कचहरी के साथ जो है वो नवाशहर का एरिया लगता है, जो SDO उधर बैठे हुए हैं उनके रवैये से भी हमारे वकला काफी तंग है। करें अगर नहीं, अगर ये हम इसके ऊपर अमल दरामद करता, ये मैं इस इंटरव्यू के जरिए पैगाम भी देना चाहूंगा कि इसको फौरी तौर पर इस मसले को हल करें, अदरवाइज ये मामला फिर हमें कानूनी जंग की तरफ लेके जाएगा और उसके अंदर हम फिर हर वो हर बार इस्तेमाल करेंगे जो हम कर सकेंगे।